दोस्तों, टेक्नोलॉजीज़ में हर दिन तब्दीली आ रही है, हर दिन चेंजेस आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ इंट्रोड्यूस हो रही हैं। अगर हम लोग डीप फ्रीज़र की बात करें तो डीप फ्रीज़र में नॉर्मली सिंगल डोर, डबल डोर या कभी कभी ट्रिपल डोर भी डीप फ्रीज़र्स होते थे। अब अगर हम डीप फ्रीज़र को डीप फ्रीजिंग वाला काम ले रहे हैं, मतलब माइनस का काम ले रहे हैं, -20, -22, -24 तक उसको हम ठंडा कर रहे हैं, मतलब सॉलिड चीज़ें रखी हैं, आइसक्रीम वगैरह रखी है, और हम उसी डीप फ्रीज़र के एक पोर्शन को चाहते हैं कि हम उसमें बॉटल्स रख सकें, मतलब वो टेम्परेचर जो है वो पॉजिटिव में आने लगे। तो हम अभी तक जो कन्वर्जन करते थे, अभी तक जो हम जो चेंजेस करते थे, उसमें हम थर्मोस्टेट को लगा के थर्मोस्टेट की मदद से वहाँ की कूलिंग को रिड्यूस कर देते थे, लेकिन वो बहुत इफ़ेक्टिव वे नहीं था। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारा दो चैम्बर का एक डीप फ्रीज़र है और हम उसमें दोनों चैम्बर को फ्रीज़र की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो हम दोनों चैम्बर्स को फ्रीज़र की तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि एक चैम्बर को हम फ्रीज़र की तरह से इस्तेमाल करें और दूसरे चैम्बर को हम लोग रेफ्रिजरेटर की तरह से इस्तेमाल करें, उसमें वो चीज़ें रख सकें जो प्लस टेम्परेचर में रहती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, पानी की बोतलें हो गई। तो यहाँ पे एक ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व लगा है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ये इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व क्या करता है, इसमें आपको तीन पाइप दिख रहे हैं, एक इनलेट है और दो आउटलेट हैं। आउटलेट में आप देखेंगे कि यहाँ पे कैपलरीज लगी हुई हैं। इन आउटलेट की रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी कंट्रोल की जाती है। जब हमको राइट वाले चैम्बर को फ्रीज़र बनाना है तो दोनों में बराबर से रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी फ्लो करती है, लेकिन जब हमको राइट वाले को रेफ्रिजरेटर बनाना है तो ऑटोमेटिकली इस सोलेनाइड की मदद से, ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है, इलेक्ट्रिक सप्लाई इसमें जाती है तो ये काम करता है, हम फ्रीज़र को रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हम रेफ्रिजरेंट की क्वांटिटी यहाँ पे कम कर सकते हैं इसकी मदद से। तो आइए हम लोग देखेंगे कि कैसे काम करता है ये। ये आपके सामने एक डीप फ्रीज़र है और उसमें इस तरह का आपको एक गैजेट दिखेगा जिसके ऊपर आपको इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस दिखेंगे, पाइपलाइन दिखेंगी, पाइपलाइन के एक इन होगा और दो जो है वो एग्जिट आउट होंगे। तो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हैं कि ये दो कैपलरीज जो है वो अंदर जा रही हैं, हमारे एक डीप फ्रीजर के लिए है और दूसरी भी डीप फ्रीजर के लिए है, लेकिन उसको आप रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, कन्वर्जन के लिए वहाँ पे फैसिलिटी ऑलरेडी दी हुई होगी। जब आप देखेंगे तो यहाँ पे ये एक बहुत सिंपल सा कन्वर्जन के लिए एक ये स्विच दिया हुआ है, ऊपर लिखा है फ्रीज़र फ्रीज़र, मतलब लेफ्ट और राइट चैम्बर दोनों फ्रीज़र में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको नीचे करेंगे तो लेफ्ट चैम्बर तो फ्रीज़र ही बना रहेगा, मतलब -20, -22, -24 तक टेम्परेचर ले जाएगा, लेकिन राइट वाला जो कॉर्नर है, राइट वाला जो आपका चैम्बर है, वो रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि आपको टेम्परेचर 2-3 डिग्री प्लस से लेके 8-10-12 डिग्री प्लस तक मिलेगा। तो आपको सिंपली ये बटन पुश करना है, अगर आप इसको ऊपर रखते हैं तो दोनों फ्रीज़र की तरह से काम करेंगे, और अगर इस बटन को आप नीचे पुश कर देते हैं तो ये फ्रीज़र और रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके साथ साथ थर्मोस्टेट भी दिया हुआ है, थर्मोस्टेट से भी आप कन्वर्जन कर सकते हैं, थर्मोस्टेट से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। यहाँ पे एक ये रेफ्रिजरेंट का सिलेंडर है, इसमें हम जब नॉर्मली रेफ्रिजरेंट हम इसमें प्रेशराइज करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये रेफ्रिजरेंट जो है वो इक्वल क्वांटिटी में दोनों पाइप से बाहर निकल रहा है। अब हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, जब हम इसको इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक कनेक्शंस दे दिए हमने इसमें। और जब हम यहाँ से इसको ऑन करेंगे स्विच से, मेजर वेरिएशन आप देखेंगे कि दोनों पाइप से बराबर से रेफ्रिजरेंट निकल रहा है, और जब इसको ऑन ऑफ करते हैं तो एक पाइप से रेफ्रिजरेंट रिड्यूस हो जाता है, एक पाइप से बढ़ जाता है। तो जब रिड्यूस होता है तो ये रेफ्रिजरेटर मोड में काम करेगा,
और जब दोनों से बराबर रेफ्रिजरेंट निकल रहा है तो दोनों चैम्बर जो हैं वो फ्रीजर की तरह काम करेंगे। इससे बहुत कम क्वांटिटी में निकल रहा है और यहाँ देख रहे हैं आप ज़्यादा क्वांटिटी में निकल रहा है, और जब हम इसको ऑन करते हैं सप्लाई देते हैं तो दोनों में रेफ्रिजरेंट जो है वो कम और ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो जब फ्रीजर मोड होगा, दोनों मतलब चैम्बर फ्रीजर में काम कर रहे होंगे, तो इन दोनों पाइपलाइन से कैपिलरी के थ्रू फ्रीजर के चैम्बर में बराबर से रेफ्रिजरेंट जाएगा और दोनों फ्रीजर का काम करेंगे। लेकिन जब हम इसको रेफ्रिजरेटर मोड पे डाल देंगे तो एक में क्वांटिटी कम हो जाएगी और दूसरा फ्रीजर की तरह से वर्क करता रहेगा। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा कम्प्लीटली कन्वर्ट हो जाएगा फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में। तो एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा, या तो हम दोनों का चैम्बर्स को फ्रीजर की तरह से यूज़ कर सकते हैं, या एक चैम्बर को फ्रीजर की तरह से और दूसरे चैम्बर को रेफ्रिजरेटर की तरह से प्लस में उसको टेम्परेचर लाकर। थैंक यू वेरी मच।